जन समर्पण सेवा संस्था के निःशुल्क भोजन वितरण सेवा को 2000 दिवस पूर्ण होने के अवसर पर कर्मवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक, महापौर सहित अन्य के हाथों कर्मवीरों का सम्मान किया गया। जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा लगातार जन सेवा कर 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई निःशुल्क भोजन वितरण सेवा, मानव सेवा व गौ सेवा के कार्य को बिना रुके, बिना किसी दिन नागा किए 2000 दिवस पूर्ण होने के अवसर पर रविवार को शाम दुर्ग के सिविल लाइन स्थित जलाराम भवन में कर्मवीर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, पिछड़ा आयोग उपाध्यक्ष आर.एन. वर्मा, सभापति राजेश यादव व कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू, राकेश पांडे, क्षितिज चंद्राकर, चंद्रिका चंद्राकर, उषा टावरी, डॉक्टर मानसी गुलाटी, पायल जैन सहित अन्य उपस्थित हुए। गौरतलब है कि संस्था के अध्यक्ष बंटी शर्मा ने बताया कि विगत 2000 दिनों से प्रतिदिन 100 से अधिक जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन के साथ साथ पूरे जिले में इन 5 वर्षों में कुल 49 ट्राईसाइकिल, 139 बैसाखी का वितरण किया जा चुका है। इसी कड़ी में संस्था द्वारा दुर्ग जिले की सामाजिक संस्था समाज एवं संस्था को सेवा कार्य हेतु सहयोग करने वाले सहयोगियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा बंटी ने बताया कि सम्मान समारोह में 10 से अधिक समाज, 40 सेवा संस्था, 100 सहयोगी, 10 दिवंगत पत्रकारों के परिवारजनों, 10 सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले छोटे बच्चों का सम्मान किया गया एवं सभी उपस्थित अतिथियों को कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को संस्था का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।